ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राडे के लिए अच्छे शेयर कैसे सिलेक्ट करें। तो चलिए जानते हैं इंट्राडे में कैसे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला वीडियो ये फर्स्ट पार्ट है, बाद में सेकंड पार्ट भी मैं इस पर लाऊंगा। तो आप क्या है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आपको क्या है कि हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम क्या है कि दूसरा वीडियो अपलोड करें। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। स्टॉक सिलेक्शन वो क्या है कि एक बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बिगनर हो तो ये भी एक टॉपिक बड़ा हो सकता है। मतलब इसमें भी आपको डिफिकल्टी आ सकती है, आप जो स्टॉक चूज करें वो शायद क्या है कि अच्छे ना निकले, आप उसमें स्ट्रेटेजी अपनी डाल रहे हो लेकिन वो उस पर वर्क नहीं करे। तो ये स्टॉक सिलेक्शन भी एक क्या है कि अच्छा टॉपिक है, किसके लिए, बिगनर के लिए। हाँ जो बड़े प्लेयर है जिसको क्या है कि पता है मार्केट के बारे में सब कुछ, उसको तो पता ही है कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है वो सब वगैरह। जो मार्केट में नए है तो इसके लिए ये टॉपिक क्या है कि बड़ा सरदर्द वाला भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि हमें स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं। जो बड़े ट्रेडर होते हैं और क्या है कि जिसको डेली मतलब ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में डेली बैठते हैं सब देखते हैं वगैरह, तो उसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, आई थिंक मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मेरे लिस्ट में एक 25 या 20 का एक स्टॉक लिस्ट बना हुआ होता है। मैं इन 25 स्टॉक और 20 जो भी 25-20 स्टॉक है उसमें ही देखता हूँ, उसमें से कोई मेरे को अच्छा लगे मतलब मेरे हिसाब से चल रहा है जो भी, मैं क्या है कि अपना यूज़ करो जिस बेसिस पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर वो मेरे को वहाँ दिख जाता है वो 20 से 25 स्टॉक में से किसी में भी, तो मैं वहाँ एंट्री ले लेता हूँ। तो ये एक भी है कि आप अपना क्या है कि अच्छे अच्छे आपको जो अच्छे अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लो, जो आपको अच्छे लगे और सच में अच्छे होने चाहिए। तो वो बड़े बड़े स्टॉक क्या है कि अपनी 25 या 20 की वॉच लिस्ट बना लो, वो अपने ऐड कर लो वॉच लिस्ट में और डेली देखो, जब भी मॉर्निंग में आते हो तो उसको देखो कि क्या मार्केट क्या कर रहा है, ये स्टॉक क्या कर रहा है। अगर कोई स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो आप तो उस पर पहले देखो कि वो स्ट्रेटेजी उस पर वर्क कर रही है या नहीं, मतलब बैक टेस्ट करके देखो कि वो वर्क उस स्ट्रेटेजी में कैसी कर रही है, बाद में एक 25 या 20 स्टॉक की लिस्ट बनाओ। बाद में जब भी मॉर्निंग में आओ तो देखो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा है, मगर अच्छा है तो देखो, तो उसमें से जो भी अच्छे वाले हैं उसमें से जो भी बाय साइड मतलब अच्छा मतलब बाय साइड सिग्नल दे रहा है वो ले लो, अगर मार्केट डाउन है तो सेल साइड सिग्नल वाला दे रहा है वो ले लो। तो ये एक भी होता है कि आप अपनी वॉच लिस्ट बना के रखो और उसका डेली सुबह मॉर्निंग उठ के देखो कि उसमें क्या हो रहा है, अगर उसमें से आपको अपनी स्ट्रेटेजी में से कोई उसमें से मिल रही है अपॉर्चुनिटी बाय या सेल के लिए तो आप उसमें क्या है कि बाय या सेल कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि आप प्री ओपन मार्केट में से अपने स्टॉक सिलेक्ट करो, ये भी एक क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन का आइडिया है। तो आप प्री ओपन मार्केट में भी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। और ये क्या है कि ये पहला पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन के, और भी मीन्स के क्या है कि आप बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो आप वो भी यूज़ करते हो, वो हम क्या है कि दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहले देख लेते हैं जो प्री ओपन मार्केट होता है उसमें से स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। तो पहले क्या है कि आप अपनी NSE की वेबसाइट पे आ जाओ, उस पे आ जाने के बाद आप इधर लाइव मार्केट दिख रहा है, लाइव मार्केट पे जब भी आप कर्सर लेके जाओगे तो उसमें प्री ओपन मार्केट है उसको देख लो। तो प्री ओपन मार्केट को जैसे क्लिक करोगे तो प्री ओपन मार्केट का जो भी होता है वो सब ओपन हो जाएगा, और ये क्या है कि 950 के लिए तक ही ये रहता है, बाद में जो चेंजेस होते हैं वो इसमें नहीं आता। जो प्री ओपन मार्केट था हमारा आज का, जो हमारा प्री ओपन मार्केट था वो कितने करीब 40 पॉइंट की अपसाइड दिखा रहा था। मतलब ये क्या कि आज वो प्री ओपन मार्केट ऐसा बोल रहा था कि आज मार्केट बुलिश है, तो हम क्या करेंगे इसमें से अच्छे अच्छे जो बाय साइड वाले स्टॉक है ना वो सिलेक्ट करेंगे। तो आप इधर देखो 40 पॉइंट की अपसाइड है, तो मतलब हम इसमें बाय साइड के स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। तो आप नीचे आ जाओ तो इधर देखो ये सब क्या है कि निफ्टी 50 के आप इधर कोई भी स्टॉक लगा सकते हो, निफ्टी FNO स्टॉक भी लगा सकते हो सके तब तक निफ्टी या FNO स्टॉक ही चूज करो, तो मैं इधर निफ्टी चूज कर लेता हूँ। तो आप देखो इसमें क्या है कि आपको अगर देखो ये परसेंटेज ऑफ चेंज है, मतलब प्रीवियस डे से कितना आज प्री ओपन मार्केट में अप है वो ये, तो हमें इधर याद रखना है अगर बुलिश है तो 1 से 2 के बीच में, मतलब 1% से 2% के बीच में जो है उसके आसपास, हाँ 1% से थोड़ा कम हो तो भी आप ले सकते हो। तो अभी बियरिश हो तो आपको क्या करना है, देखो ये एरो आ रहा है ना उस पर एक बार क्लिक करोगे
तो क्या है कि पहले रेड वाले आ जाएंगे, मतलब जो भी प्री ओपन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिटा हुआ है, प्री ओपन मार्केट वो आ जाएगा। प्री ओपन मार्केट होना, आप उसमें से दो तीन ही स्टॉक सिलेक्ट करो। हाँ चलो तीन आपने नक्की किया कि तीन, तो आप तीन ही स्टॉक सिलेक्ट करो। आप ऐसा नहीं कि यार 10 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो और अपनी वॉच लिस्ट में लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप इसमें नक्की करो या तो मैं 2 सिलेक्ट करूंगा या 3 सिलेक्ट करूंगा, और 3 सिलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में लगा लो। बाद में देखो कि आपकी स्ट्रेटेजी उसमें वर्क, मतलब उसको पहले 5 मिनट जाने दो। ऐसा नहीं कि जैसे ही प्री ओपन में से लिया वैसे ही मैं इसको बाई साइड के लिए ले लूँ, अगर बाई साइड है तो, ऐसा नहीं। उसको पहले 5 या 10 मिनट जाने दो, बाद में हमें लेना है, मतलब जो भी बाय या सेल जो भी करना है वो बाद में करना है, पहले 5 या 10 मिनट जाने दो। ओके, तो चलो मान लेते हैं आज जो हमारा मार्केट था वो बुलिश था, तो मैं इसमें से जो आपको अच्छे लगे, ऐसा नहीं कि कोई भी पहला दूसरा तीसरा सिलेक्ट करना है। देखो आप आज आप देखोगे तो मेटल सेक्टर मॉर्निंग में, मतलब प्री ओपन मार्केट में बुलिश था। देखो टाटा स्टील है, JSW, हिंडालको, वेदांता, तो मतलब क्या है कि इसमें से मतलब मेटल सेक्टर में से कोई स्टॉक ले लेते, तो मेटल सेक्टर में से चलो मैं मान लेता हूँ टाटा स्टील ले लेता हूँ। बाद में वो सब ऐड करके मैं आपको बताऊंगा। बाद में दूसरा ले लेते हैं, चलो दूसरा ले लेते हैं ITC, वो भी कितना है 0.6 पर, चलो वो भी चलेगा। दूसरा ITC ले लिया, और उसके बाद गेल ले लेते हैं, चलो गेल। तो हमारे 3 स्टॉक सिलेक्ट हो गए, वो कौन कौन से, टाटा स्टील, गेल और ITC। क्यों? क्योंकि देखो यस बैंक, यस बैंक में अपनी पोर्टफोलियो हो सके उतना न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, इसलिए मैं ये सिलेक्ट नहीं किया। JSW, टाटा स्टील ऑलरेडी इसके क्या है कि सेक्टर का, इसीलिए नहीं सिलेक्ट किया। हिंडाल्को जो JSW और बोला कि मेटल सेक्टर का, इसीलिए मैंने उसको भी ऐड नहीं किया है। बाद में क्या है कि वेदांता, वो भी मेटल सेक्टर का है, और टाटा मोटर्स जो बोला कि अगर हो सके उतना क्या कि न्यूज़ बेस्ड वो जो गिरे हुए स्टॉक है, जो मतलब पिछले 3-4 महीने से तो टाटा मोटर और यस बैंक गिरते ही आ रहे, तो इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो बाद में आया गेल और ITC, तो उस दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो चलो इसमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो पहले है टाटा स्टील, टाटा स्टील को ऐड कर लेता हूँ। दूसरा था गेल, गेल गेल को भी मैंने ऐड कर लिया, और तीसरा था ITC। तो तीनों को ऐड मैंने कर लिया। तो चलो अब देखते हैं ये क्या करता है, मॉर्निंग में इसने क्या किया था। तो आप देखोगे, और मैंने इस इधर 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट का ग्राफ लगा के रखा है। तो आप देखो जब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ तो गैप अप ओपनिंग हुआ था, जो आगे प्री ओपन में मार्केट में भी था। गैप अप ओपन होने के बाद जो इसने पहली कैंडल बनाई वो कौन सी थी, जो इसकी पहली कैंडल तो अनडिसीजनल थी, मतलब इसमें कोई डिसीजन नहीं था, ना तो ये बुलिश था ना तो बियरिश थी। तो अगर आपको इधर सही लग रहा है तो आप उसको टाटा स्टील को क्या कि अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आप यूज़ करें वो इसमें सही बैठ रहा है, फिट हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हो कि चलो मैं ले लेता हूँ एक बार, ट्राई कर देता हूँ। तो आपने देखो जो नेक्स्ट कैंडल कहाँ से थी, 342 से देखते हैं तो ऊपर कितना गया, ये आई थिंक 346, ओके 346 तक गया है, मतलब कितना 1% के करीब मतलब मूवमेंट दे दिया है दो कैंडल में। तो हमें तो इंट्राडे में पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर इंट्राडे में आपको 0.5% भी मिल जाता है ना तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा लेने के चक्कर में आप क्या कि लॉस भी ले सकते हो। और हाँ देखना, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इधर से ले ही लो, आप देखो अपनी स्ट्रेटेजी हो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर इसमें से आपको मिल रहा है कि नहीं इधर बाय सिग्नल है तो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये पहले कैंडल जैसे ही ख़त्म हो गई, ये ग्रीन है, पहले कैंडल जैसे ही ख़त्म हो गई मैं ले लेता हूँ, ऐसे नहीं। आप जो भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करे अगर वो सही बैठ रही है तो ले सकते हो। चलिए अब देख लेते दूसरा स्टॉक जो गेल है उसमें क्या हुआ था। तो आप देखिए गेल, देखिए थे जो गेल का चार्ट ओपन हो गया वो भी 10 मिनट्स पे लगा है। तो इसमें पहली कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, मतलब एक नीचे गया था बाद में ऊपर आके ग्रीन कलर की कैंडल बना दी। तो बाद में देखिए इसने 3 जो कैंडल ग्रीन एक साथ बनाई है। तो इसमें देखो अगर आप मोमेंटम लेते तो 130 से लेके 133 तक मान लेते हैं, नहीं 3 तक है, 133, मतलब 3 रुपये, मतलब 130 रुपये के स्टॉक में पहले ही जैसे ही हुआ तो 3 रुपये का मतलब कितना हुआ, 2.5% से भी ज़्यादा, मतलब 2.5% से भी ज़्यादा इसने बाद में मूवमेंट दे दी है। तो ये भी है, हाँ मैंने बोला वही कि आप इधर देखो अपनी स्ट्रेटेजी में आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है तभी लेना है, ना कि ये पहली कैंडल फिनिश होने के बाद सीधा ले लो, समझ गए।
बाद में देखते हैं आईटीसी, तो आईटीसी में भी देख लेते हैं। आईटीसी में देखो इसमें तो पहले प्रॉपर क्या है कि ग्रीन कलर की कैंडल थी, आपकी स्ट्रेटेजी में सिग्नल मिल रहा है तो आप ले सकते थे। कितने 244.21 पैसे से लेके 246 तक गया है, तो मतलब उसमें भी 2 रुपये का मूवमेंट दे दिया है, तो मतलब 1% का मूवमेंट मोस्टली। ये अगर क्या है कि निफ्टी के साथ चला, अगर निफ्टी देखोगे तो ये निफ्टी के साथ ही है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो निफ्टी देखो ओपन हुआ था ग्रीन में, ऊपर गया बाद में नीचे आ गया, तो ये क्या है कि निफ्टी भी इस पर डिपेंड रहता है जो भी हो। हाँ, अगर निफ्टी को ये स्टॉक फॉलो करता है तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि निफ्टी भी सुबह क्या है कि ऐसे ही वर्क किया था, क्योंकि मैं सुबह से मार्केट में था तो इसीलिए मेरे को पता है कि निफ्टी भी क्या है कि स्टार्टिंग में अप जा रहा था, बाद में इसने रिवर्स ले लिया। तो बाद में देखो कि निफ्टी के साथ ये तीनों, आई थिंक तीनों के तीनों निफ्टी के साथ वर्क करे, तो आप क्या है कि निफ्टी का चार्ट भी ऐड कर सकते हो अपने साथ जो भी आप ले रहे हो। अगर वो निफ्टी को फॉलो करता है वो स्टॉक, तो क्या करो एक निफ्टी का चार्ट भी लगा लो और ये स्टॉक का भी चार्ट लगा लो। जब निफ्टी कोई रिवर्सल ये ऐसा दिखा है तो आपका चार्ट में भी ऑटोमेटिकली अगर वो निफ्टी को फॉलो करता है तो वो रिवर्सल दिखाएगा ही, तो समझ गए। तो ये होता है क्या है कि एक नॉर्मल वॉच लिस्ट बनाना और बाद में होता है प्री ओपन मार्केट में से स्टॉक सिलेक्ट करना। आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करने का बोल रहा हूँ आपको। जो देखो आपकी स्ट्रेटेजी किस में अच्छी रह रही है, आप जो यूज़ कर रहे हो, आप जिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो किस स्टॉक सिलेक्शन पे ज़्यादा वर्क कर रहा है वो स्टॉक सिलेक्शन आप यूज़ करो। ये तो पहला पार्ट था, आगे और पार्ट आएंगे, मतलब दूसरा आई थिंक दूसरा ही आएगा, तीसरा तो नहीं आएगा, अगर आता है तो हम उसको भी ऐड करेंगे। तो दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें हम क्या कि थोड़ा डिफरेंट यूज़ करेंगे मेथड, तो आप उसके लिए क्या है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको पता चल जाए कि नहीं यार दूसरा पार्ट ऐड हो चुका है और आप देखो आप पता चले कि ऐसे ऐसे भी स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें हौसला मिलेगा और ऐसे वीडियो और आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे तो दबा ही देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।